अब आपको एक वायरल वीडियो दिखाते हैं और ये वायरल वीडियो इस वक्त हरियाणा में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक शख्स मुंह पर गमछा बांधे, सिर पर कैप लगाए हुए जनता के बीच घूम रहा है और इस शख्स को लेकर कहा जा रहा है कि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन हाव भाव से, अंदाज से कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन खबरें अभी तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, मैं आपको बता दूं। लेकिन जिस तरह का अंदाज ये नजर आ रहा है, ये अपने आप में वाकई दिलचस्प है। और सबसे अहम बात यह है कि आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने प्रजा के बीच भेष बदल कर जाया करते थे कि हकीकत में प्रजा किस हाल में है, उनके सामने किस तरह की समस्याएं हैं। तो किसी इसी अंदाज में गए थे मुख्यमंत्री। और ये क्या वाकई मुख्यमंत्री? अनिल मोर मेरे साथ, मेरे सहयोगी, चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, इस पॉलिटिकल एडिटर हमारे। अनिल, किस तरह से इस वीडियो को लेकर चर्चा हो रही है? अनिल, नासिर, देखिए जो ये वीडियो वायरल है, जिस वीडियो को हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो है, इसमें जो शख्स घूम रहे हैं, देखने में तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल की तरह लग रहे हैं, जो पूरा का पूरा जो लुक आ रहा है मुख्यमंत्री जैसा लुक आ रहा है। हालांकि देखिए वायरल वीडियो है ना, सिर्फ सबसे पहले तो हम यही कहेंगे हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो शख्स घूम रहे हैं, जिन्होंने टोपी पहन रखी है, मुंह पे गमछा लपेटा हुआ है, कहीं ना कहीं मास्क भी लगा रखा है, तो जितने हाव भाव देखे लुक के हिसाब से मुख्यमंत्री लग रहे हो। जैसा आपने पूर्व बताया कि अगर हम थोड़ा सा पुराने समय की बात करें, जब राजा महाराजाओं का जिक्र होता था, तो वो भी अपनी वेशभूषा बदल कर कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाते थे, और इसी तरीके से मुख्यमंत्री एक मेले के अंदर गए हुए, जो लोकेशन लग रही है, जैसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो वायरल वीडियो है पंचकूला या फरीदाबाद की हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है। अच्छा अनिल, अगर आपको याद हो कि दशहरा का मेला शायद ये हो सकता है ना? बिल्कुल, देखिए तो दशहरा के आप में, हाँ ये पूछ रहा था कि आपको वो, तो दशहरा के दिन मुख्यमंत्री थे कहाँ पर? देखिए ना, सिर्फ दशहरे वाले दिन मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में थे, और मुख्यमंत्री का जो एक टूर प्लान जारी होता है, संभावना थी, कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री पंचकुला में जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो रावण दहन होता है, दशहरे का मेला होता है, वो देखने मुख्यमंत्री जाएंगे। लेकिन एकाएक उस कार्यक्रम में बदलाव हो गया, आधिकारिक तौर पर उस कार्यक्रम में बदलाव हो गया, लेकिन अब जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रही है, तो पूरी की पूरी संभावना यही लग रही है कि ये वीडियो पंचकुला की हो सकती है, जो शख्स घूम रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री हो सकते। और बड़ी बात यह, देखिए आस पास कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस के जवान नहीं, कोई कमांडो का पहरा नहीं, बिना सिक्योरिटी के, बिना कमांडो के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं वेशभूषा बदल कर एक तरीके से टोपी पहन रखी है, मुंह पे गमछा लपेटा हुआ है, मास्क है, तो मुख्यमंत्री लोगों के बीच में घूम रहे हैं, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, एक आम शख्स की तरह घूम रहे हैं, अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और आपने देखिए एक दिन पहले मुख्यमंत्री जब करनाल से चंडीगढ़ की तरफ आ रहे थे, काफिला रोक कर मुख्यमंत्री बस में सवार होते हैं, और जो बस में जो ओल्डी बस थी हरियाणा रोड, उसमें भी सवारियों से बातचीत करते हैं, वो तो एक आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री किस तरीके से। और अनिल, इसमें जो आपने कहा कि सिक्योरिटी का जो एक तामझाम होता है सीएम के साथ, तो बहुत सिक्योरिटी के लोग भी सादा वर्दी में इधर उधर हों, कोई पता नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के लिहाज से मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी मिलती ही है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, तो ये बिल्कुल संभावना है कि जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट है वो रहे होंगे, वो लाजमी सी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर घूमे हैं, बड़ी बात है। किसी भी शख्स ने मुख्यमंत्री को नहीं पहचाना, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अपना मुंह ढका हुआ है, अमूमन लोग वहां पर अगर मुख्यमंत्री की ने अपना मुंह ढका नहीं होता, टोपी नहीं पहनी, और शायद लोग पहचान भी। अच्छा अनिल, और जितने इंतजाम किए हैं कि मुंह पर मास्क भी लगाया है, गमछा भी है, कैप भी पहना है, तो उससे ये लग रहा है कि जाहिर सी बात है कि कोई पहचान छिपाकर ही यहाँ पर मेले में घूम रहा था। देखिए बिल्कुल, पहचान छिपाकर घूम रहे थे, मास्क भी मुख्यमंत्री साहब ने लगाया हुआ था, हालांकि हम उस बात को कह रहे हैं कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिस हाव भाव से देखा जाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री से प्रतीत होते हैं मुख्यमंत्री लगते भी, और जिस तरीके से लोगों के बीच में घूम रहे हैं, जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा था कि पहले राजे महाराज ऐसे ही घूमते थे, मुख्यमंत्री भी इसी तरीके से लोगों के बीच में गए, लोग इनको पहचान भी नहीं पा रहे, तो कहना कि अपने आप में बड़ी बात होती है कि प्रदेश का मुखिया इस तरीके से एक मेले में जाता है, ये अपनी पहचान छुपा कर लोगों के बीच में जाना अपने आप में एक बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी बात इसलिए भी है कि पब्लिक के बीच इस तरह से अगर कोई जनप्रतिनिधि जाता है, कोई नेता जाता है, और अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री जाए, हालांकि हाव भाव से और पूरी तरह से वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल लग रहे हैं, लेकिन अभी
कोई बिल्कुल पुख्ता तौर पर ये दावा नहीं कर सकता कि मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह का अंदाज है और जो लोग उनको करीब से जानते हैं देखते हैं तो उनका कहना है कि पूरे पूरे जो लग रहा है वो मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह की चीज़ों के दौरान कई बार जनता के सामने और जनता के बीच में जब कोई नेता होता है तो उसको जनता के बीच से बहुत सारी हकीकतें सरकारों को लेकर, कामकाज को लेकर, जनता में क्या माहौल है, इसके अलावा जनता क्या चाहती है, जनता का किस तरह का तासुर है, जनता के दिल में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, मेले में जनता किस तरह से एंजॉय करिए, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो ये वीडियो इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम से वायरल हो रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहचान छिपाकर दशहरे के मैदान में घूम रहे थे और इस दौरान वो काफ़ी देर तक इधर उधर लोगों से बात तो नहीं की, लेकिन हाँ लोगों के बीच में रहे।